too horrible. So that is begin. Kerala Badi on a camera. Okay. Gloves pehanta hu. Aur mata ko pranam kar leta hu. Dar rahi hai. Nikal jayega wahan se. Chauda hai. Meri gaadi ka setup. So good morning people, this is Kritesh from KK Radar once again, another ride. This ride is awesome, it will be happen because I am going solo and it's 9:11 a.m. in the morning. I am going again on NH53, you can assume where I am going. थोड़ी देर में पता चल जाएगा आप लोग को कहाँ जा रहा हूँ. और एक्चुअली माइक का सेटअप थोड़ा अलग है, आवाज़ कम आ रही होगी. तो चलो अब आगे राइड करते हैं लंबी. जहाँ पे भी जा रहा हूँ अभी वो यहाँ से 698 किलोमीटर है लगभग मेरे घर से. इट विल टेक अराउंड 14 आवर्स टू रीच देयर. चलो चलते हैं, मेक ए लाइफ अ राइड. क्या आजकल मेरी लाइफ ऐसी हो गई है, राइट पे राइट, राइट पे राइट करते जा रहा हूँ. और ये है मेरी गाड़ी, 110 किलोमीटर हो चुका है, थोड़ा सा रिफ्रेश हुआ, पानी वानी पिया. और ये जो है ये निकल गया था, इसको थोड़ा टाइट किया. तो गाड़ी तो ऐसी दिख रही है, सामान लगेज पूरा बंधा हुआ है, चौड़ा हो गया है, विड्थ बढ़ गई है. तो ये है सैडल बैग, इसको भी कुछ रखा नहीं हूँ. ये मेरा मस्त काम आ रहा है, राइड ऑन का एयर कुशंस. और ये टैंक बैग, ये भी अच्छा है, मैंने नंबर यहाँ लिखवा दिया है सामने, तो ये भी ठीक है. तो गाड़ी ऐसी दिख रही मेरी. और एक क्लिक ले लेता हूँ, फोटो ले लेता हूँ. तो अब चलते हैं क्योंकि बहुत लेट हो चुका हूँ और अभी बज रहे हैं 11, ऑलमोस्ट होने वाले हैं. अब भगाना पड़ेगा क्योंकि 165 किलोमीटर है संबलपुर, उसके बाद बहुत स्लो चलना पड़ेगा मुझे. क्योंकि उधर आगे रोड बहुत ख़राब है तो स्लो चलना पड़ेगा. गाड़ी अच्छी चल रही है यार, बहुत अच्छा है. और ग्लव्स मैं भूल गया क्या पहनना. ओके ओके ओके, पीछे रखा था. थोड़ी धूप हो गई है, अब थोड़ा ठंडी नहीं लग रही है बट जल रहा है. चलो 165 करने के बाद पेट्रोल डलाऊंगा संबलपुर में, वहीं पे कुछ खा पी लूँगा, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो लंबा चलना है. We'll be right back.
फ्रेंड्स, मैं संबलपुर से बस 30 किलोमीटर पीछे हूँ। संबलपुर 30 किलोमीटर और है। यहाँ पे रिफिल के लिए रुका था, रिफिल करा लिया है। इधर बता रहे हैं आगे वेस्ट बंगाल वाला जो रूट है सीधा सीधा जाना है, बट रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उधर थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा लग रहा है, और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, वहाँ स्पीड चला नहीं सकते। अब यहीं तक रूट है संबलपुर तक, उसके बाद रोड बहुत ख़राब रहेगा बोल रहे हैं। पेट्रोल पम्प है, वहाँ पर रुका हूँ। बाकी एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, बाइक इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल एंड अच्छा है सब। रायपुर से वेस्ट बंगाल। अरे यार ये निकल गया है, इसको बांधना पड़ेगा कहीं फिर से। डिस्टेंस कम है बट रोड खराब है। लेट्स सी बाइक में कैसे कितना टाइम लगता है। ये तो 12 बजे दिखा रहा है एस्टिमेटेड टाइम पहुंचने का। हीराकुंड डैम संबलपुर इस तरफ है, अपन आउटर से जा रहे हैं। आउटर ही किनारे पता नहीं बट आउटर से जा रहे हैं। ये ऐसा रोड मिला है अभी NH-53 के लिए, सिंगल लेन है, रोड दोनों तरफ बन रहे हैं अभी। और रात के टाइम बहुत दिक्कत होने वाला है क्योंकि हाई बीम लो बीम सब पड़ेगा, सिर दर्द हो जाएगा। और देख रहे हो कैसे गाड़ी चल रही है, कोई कहीं से भी ला ले रहा है गाड़ी, और ट्रक वाले तो पास देते नहीं है। कहाँ मुड़ना भाई, अपने को इधर मुड़ना है, कोलकाता इधर है, कटक इधर। किसी गाड़ी पीछे लग गए तो लग गए, ओवरटेक कर ही नहीं पाओगे क्योंकि रोड चौड़ा है नहीं। वाट लगने वाली आज, अभी तो खेल चालू नहीं हुआ था, अभी तो शुरू हुआ। कोई मंदिर है यहाँ पे यार, फेमस मंदिर है लगता है, दुर्गा माँ का ही होगा। जय भगवान, बन रहा है अभी मंदिर, बन रहा है। अगर आप लोगों को किसी को पता होगा कौन सा मंदिर है ये तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बीच बीच में अचानक गड्ढे हैं, मुझे नेटवर्क भी नहीं होगा मेरे ख्याल से जियो का, चेक करना पड़ेगा। रुक के रुकूं कि नहीं यहाँ पे। अरे बाप रे, ऐसे गड्ढे मिलेंगे देखो। अरे क्या गड्ढा है यार ये। एक्चुअली मेरा ये ग्लास काम नहीं करेगा तो मुझे ना अपना नंबर वाली ग्लास पहननी चाहिए। बंदर है यहाँ पे तो ये वाले ग्लास पहन रहा हूँ, ग्लास क्योंकि दिख नहीं रहा रोड मुझे। छांव आ रहा ना पेड़ पौधे का, पत्तियों का, तो बीच जंगल में रुका हूँ मैं। और ये है बंदर। यस नाउ इट्स क्लियर, अब ठीक दिख रहा है अच्छे से। बाप रे, इसीलिए 9 घंटा लगने वाला इस रोड पे। देखो गाड़ियाँ इन लोग कैसे चला रहे हैं, जिधर से भी प्लेन रास्ता है उसी पे चलाते हैं, भले रॉन्ग साइड हो जाए। देख रहे हो रोड कैसे गड्ढे हैं यार, ये पूरी वाले रोड से भी खतरनाक है। शिट, 400 किलोमीटर को अगर 10 घंटा ले रहा है समझ जाओ रोड कैसा होगा। अरे यार बहुत बड़ी गलती कर दी इस रोड पे आके। फुटबॉल चल रहा है यहाँ तो, पश्चिम बंगाल उड़ीसा में तो फुटबॉल ही फेमस है। तो मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ, एक जगह है, गाड़ी इधर खड़ी है। कौन सी जगह भी है ये? तिलेबंद कोई जगह है। यहाँ से रोड इतना बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्या बताऊँ, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। शायद नहीं लग रहा मैं आज रात तक कवर कर पाऊँगा ऐसे रोड में, तो देखूँगा कहीं पे स्टे कर लूँगा, जितना चलाता हूँ चलाऊँगा। बाकी रोड बहुत ख़राब है बोल रहे हैं आगे, देखते हैं।
चलो भैया थैंक यू, आप लोग हेल्प किए। तो ये जो लोग थे अभी बहुत अच्छे नेचर के थे, हेल्पिंग नेचर के थे, बताया रोड कैसे कैसे है, कहाँ तक रोड ख़राब है, कैसे जाना है। कंझोर करके है उस जगह पे जाके रुकना पड़ेगा लग रहा है मुझे रात को, क्योंकि आगे का राइड नहीं कर पाऊँगा मैं लग रहा है। आई थिंक 351 किलोमीटर मोर टू गो फॉर खड़गपुर। एक्चुअली आई एम गोइंग आई टी खड़गपुर फॉर सम रीजन एंड सम वर्क, आई एम मीटिंग विद समवन, दैट्स व्हाई आई एम कमिंग फ्रॉम रायपुर। अब देख लो रोड कैसा है, एक तो रोड ख़राब है, ऊपर से बकवास टाइप का ब्रेकर इतने सारे जो कि मैं नहीं चलाऊंगा इस पर। भाई रोड भी तो सही करो फिर स्पीड ब्रेकर लगाओ तो समझ में आती है, यहाँ पे तो रोड ही ख़राब है स्पीड ब्रेकर है, तब डबल रोड भी ख़राब स्पीड ब्रेकर भी ज़बरदस्ती का। बिस्किट खाया और क्रीम रोल खाया, पानी पिया, बस हो गया। खूबसूरत नज़ारा चारों ओर, ये तो मैं देख नहीं पाऊंगा रात में, तो अभी जितना दिखाना दिखा देता हूँ, शूट कर लेता हूँ। वाओ दिस व्यू इज वेरी नाइस, मस्त लग रहा है यार, ये ट्रैफिक ज्यादा हो गया है। ये कौन सा नदी है यार बताइए, नदी है कि बांध है कि क्या है, बहुत बड़ा है ये, कमेंट करिए, मस्त जगह है। बहुत नेरो पुल है लेकिन इसको डेवलप करना चाहिए और बड़ा बनाना चाहिए, पूरे रोड को भी बड़ा बनाना चाहिए यार, चौड़ा करना चाहिए। वाओ नाइस प्लेस। दिस रोड इज व्हाट यार, टू हॉरिबल। कसम इतना धूल धूल है, धुंध है, फॉग, ऊपर से रोड इतना बकवास, खराब रोड, ऊपर से ट्रैफिक रूल फॉलो कर ही नहीं रहे ट्रक वाले। दिस इज माय वर्स्ट 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 राइड एवर। इससे अच्छा तो भाई मैं मुंबई कोलकाता मुंबई कर लेता, बेंगलुरु कर लेता, दिल्ली कर लेता, बट ये ऐसा वाला रोड तो नहीं मिलता ना मुझे, नेक्स्ट टाइम से तो मैं आऊँगा भी नहीं ऐसे रोड पे। बाप रे, देख रहे हो कैसा रोड है, ऐसे रोड में उड़ीसा में ऐसे रोड में 10 घंटा भी कम है क्रॉस करने के लिए, देख रहे हो क्या चीज का दिक्कत है भाई रोड बनाने के लिए। यहाँ पे गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता यार। पॉलिटिक्स की वजह से है सब ये। बाप रे, डस्ट देखो, धूल देखो, रोड देखो, पैथेटिक रोड, एंड आई एम ऑलमोस्ट डाइड इन दिस रोड। OMG, चलो ठीक है रखो। हाँ बाय। सच जोधपुर चले जाता मैं बाइक से,
सीरियसली। रोटी और दाल फ्राई कहीं पर हूँ, कृष्णा होटल है, अच्छा टेस्टी है। बहुत रोड खराब है यार, एकदम हालत खराब हो गई, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। चलो पहले खा लेता हूँ। कौन जो 26 किलोमीटर के रास्ते पे हम उठाओ। हेलो, हाँ तो केजर में टाउन में एक मंदिर है गढ़गांव करके। अच्छा ठीक है, तो तू उसके आसपास रुकना और सुबह दर्शन करके आना, काफी फेमस मंदिर है ऐसा बोल रहे हैं लोग। अच्छा क्या नाम बताए? घटगांव। घटगांव वहाँ पे हिल स्टेशन वगैरह है क्या, झरना वरना? जानी ना, अरे दिखा रहा था ना मैप में इसलिए पूछा। ये नहीं पता, मंदिर बताया, बाकी कुछ नहीं बताया था। ठीक है, ठीक है ना। खाना खाया है? अच्छा खा लिया ना, ठीक है। तो तुम वहीं पे जाते हो और आसपास मंदिर के आसपास रुकिए। हाँ अच्छा ठीक है। न्यू की ओल्ड दो दिखा रहा था भाई। तू रुकते है, काम कर, फिर मैं गूगल करके बताती हूँ तेरे को। और क्या करूँ, गूगल तो तू भी कर दे। होटल भी देख लेना, आसपास होटल भी देख लेना, नाम वहीं जाऊँगा सीधा। ठीक 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 रुक जा। हाँ ये थी मेरी बहन, गुवाहाटी खड़गपुर में है। एक्चुअली मैं खड़गपुर अभी जा नहीं पाऊँगा, 9 बज रहे हैं रात के, और यहाँ से 232 किलोमीटर है खड़गपुर, तो कोई मतलब नहीं होगा इतना दूर रात को जाऊंगा। फिर रात को जाते नहीं बनेगा, रोड तो देख ही रहे हो कैसा है। सो बेटर आई विल स्टे इन केंझोर। अपन घाट पे हैं अभी, कहीं गुड़िया घाट ऐसे कुछ का नाम है, और ये केंझोर व्यू पॉइंट बोला जाता है इसको। यहाँ से पूरी लाइट्स दिख रहे होंगे, केंझोर व्यू पॉइंट। तो पूरा नीचे है केंझोर सिटी, केंझोर आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, बट यही बोला जाता है। तो पूरा लाइट दिखता है यहाँ से, पूरे सिटी का लाइट। फॉग जम रहा है वाइजर में, ठंडी है नीचे, ठंडी लग रहा है, ऊपर तो ठीक है, स्वेटर पहना हूँ, थर्मल लाइनर है और जैकेट है, और कान तो बंद ही है हेलमेट के में, तो उतना ठंडा नहीं है, बट नीचे कुछ नहीं है, जींस बस पहना हूँ। देख भाई देख देख व्हाट इज कर रहा है। सो फाइनली रीच्ड होटल इन क्वेंजर। लेट मी स्मॉल टूर ऑफ रूम। ये बेसिक डबल बेड है, पिछले डबल बेड वाला ही अवेलेबल था इसलिए डबल बेड वाला लिया। टीवी है इधर, ये है वॉशरूम, ठीक है, डिसेंट है, इधर टॉयलेट है, तो ठीक है डिसेंट है, इतना कम बजट पे इतना। ये हॉल्ट के लिए, नाइट हॉल्ट के लिए। और आज का दिन तो इतना बेकार था, बेकार बोल सकते हो रोड की वजह से, क्योंकि इतने ज़्यादा दिमाग खराब हुए मेरे, बता नहीं पाऊंगा। अब रूम टूर तो देख लिए, अब मैं सोना चाह रहा हूँ यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बहुत घटिया रूट से आया हूँ। और तो आज का मैं ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ। एज ऑलवेज राइड सेफ, ऑलवेज वेयर हेलमेट एंड लाइव व्हाट यू लर्न, माई लवली फ्रेंड्स, बाय। We'll be right back.